अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्ला। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, i14 II का एक खूबसूरत घर, 30-60 इसकी डायमेंशन है। पूरा घर आपको अंदर से विज़िट कराता हूं, इंशाल्लाह रहिएगा मेरे साथ। डबल स्टोरी घर है, इसलिए बीच में ही वीडियो स्किप करके नहीं आपने छोड़ देनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है। प्राइस बहुत ही मुनासिब है दोस्तों, बहुत खूबसूरत घर है। इस्लामाबाद में आपको पता ही है 30-30 फुट गलियां हैं। ये गली ज़ाहर है, जब बनेगी तो ये 30 फुट गली है। लेकिन मज़े की बात ये कि सिर्फ एक प्लाट बीच में है और साथ ही डबल रोड है, और थोड़े से फासले के ऊपर, यानी आप कह लीजिए कि 10 मिनट के फासले के ऊपर कायद आज़म इंटरनेशनल हस्पताल है। ये मेन डबल रोड है और ये सामने जो है ये i14 III है। तो ये जो है ये i14 II में है, 30-60 डायमेंशन के साथ 7 मरले का ये घर। विज़िट करवाता हूँ, अंदर से रहिएगा मेरे साथ साथ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर आपके सामने, पंखे शंखे लगे हुए, छतों की सीलिंग हुई, बड़ा कारपोच, छोटी दो गाड़ियाँ आसानी के साथ खड़ी हो सकती हैं, और बड़ी एक गाड़ी खड़ी हो के 2-3 बाइक भी खड़े हो सकते हैं। ये आपके सामने है। ये फिर साइड गैलरी है, मोटर लगी हुई है। आपको पता ही है कि इस्लामाबाद में बिजली, पानी, गैस, इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन रहिएगा मेरे साथ साथ ताकि आपको मुकम्मल तफसीलात मैं बता सकूँ। तो चलते हैं पहले बिस्मिल्लाह ड्राइंग रूम देखते हैं। दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार फिर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर, बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग रूम, बड़े खूबसूरत फानूस वगैरह लगे हुए, पंखे लगे हुए, छतों की सीलिंग हुई और लाइटों की डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत, ये आपके सामने। और उसके बाद ये देख लें जी, और नीचे फिर मार्बल लगा हुआ बड़ी खूबसूरती, बड़ी नफासत के साथ। और ये फिर सामने है जी विंडो वेंटिलेशन के लिए, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत आला। हम अब मेन गेट से इंट्रेंस करते हैं, और मेन गेट से आपको दिखाता हूँ, मेन इंट्रेंस से बल्कि इंटर होते हैं। तो ये इसकी मेन इंट्रेंस है। जैसे ही आप अंदर गेट के अंदर दाखिल होते हैं दोस्तों, तो ये फिर इसकी मेन इंट्रेंस है, ये सामने आप, ठीक है जी। और बड़े मजबूत दरवाजे लगे हुए माशाल्लाह। ये अब हम अंदर आ गए हैं। जैसे ही आप अंदर आए तो ये फिर एक छोटी सी गैलरी सी बनी हुई है, सीढ़ियों के नीचे वाली जगह। ये छोटा सा स्टोर सा इसको बनाया जा सकता है। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर लेके जाएंगी हमें, लेकिन उससे पहले हम इस तरफ आएंगे। तो ये इनका इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है। यहाँ एक ये फानूस सा लगा हुआ है छत पे। आगे चलते हैं, उसके आप थोड़ा सा दो। ये दोस्तों फिर आ गए हम टीवी लाउंज में। सामने मीडिया वाल है, और छत वगैरह देख लें, सीलिंग हुई, पंखे लगे हुए। जो चीज़ जिस तरह से लगी हुई है उसी तरह से आपको इंशाल्लाह मिलेगी। नीचे मार्बल वगैरह लगा हुआ। और अब ये देखें सामने, ये है जी मीडिया वाल। उसके बाद ये एक बेडरूम है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बेडरूम, ये आपके सामने। और उसके बाद ये इसमें कपड़ों के लिए अलमारियाँ वगैरह बनी हुई है, ऊपर तक छत की सीलिंग वगैरह हुई हुई, पंखे शंखे लगे हुए। और ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और ये साफ वाश में है। कभी कभी अच्छा अच्छा, तो वाश, ये साफ वाश, अटैच वाशरूम है इस बाथरूम के साथ। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ये लॉन्ड्री का एरिया है, और वेंटिलेशन भी यहीं से मिलती है इस पूरे घर को, ये आपके सामने, ठीक है जी। इसको खोल के आप आसानी से इसमें दाखिल हो सकते हैं, ये मच्छरों वाली जाली लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर ये किचन है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किचन, कबट बड़े खूबसूरत बने हुए, बड़े ज़बरदस्त कबट बने हुए, ये आपके सामने दिखाता हूँ जी आप। ये और चूल्हा शूल्हा लगा हुआ, ये देखें हुड भी लगा हुआ है, हुड भी लगा हुआ है, ऊपर भी कबट बने हुए हैं,
फानूस वगैरह लगा हुआ, छत की सीलिंग हुई, एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, बहुत खूबसूरत यार। ये बैक साइड गैलरी है जी किचन के, ये बैक साइड गैलरी है और ये वहां तक है। गैस का गीजर लगा हुआ, ये तो सब गैस लगी है जैसे। अच्छा, उसके बाद फिर दोस्तों ये फिर दूसरा बेडरूम है। तो दो बेडरूम है नीचे, अभी ऊपर भी आपको लेके जाऊंगा। ये दूसरा बेडरूम है, इसी तरह पंखे वगैरह लगे हुए। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, इसकी क्रॉस वेंटिलेशन है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। और फिर साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जी वॉशरूम, ठीक है जी। ये इंग्लिश सीट लगी है, ये बाथ के बने, ये आपके सामने खोल के दिखा दूं, ये खोल के दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये आपके सामने, और उसके बाद फिर ये है जी इसमें कपड़ों के लिए अलमारियाँ वगैरह बनी हुई। ये मुकम्मल, ये भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये माशाल्लाह ऊपर तक है, और उसके बाद फिर अब ऊपर आपको लेके चलते हैं। सिर्फ पंखा शखा लगा हुआ, जो चीज़ें जिस तरह से लगी हुई हैं वो उसी तरह से आपको मिलेंगी। ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह, ऊपर जा सकता हूँ ना। बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, मैं तो खैर जवान आदमी हूँ लेकिन बूढ़ा बंदा भी आसानी के साथ ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। स्टील की ग्रिल लगी हुई, हाँ जी, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी आसानी के साथ चढ़ सकता है, बिल्कुल छोटे स्टेप की। आपने रहना मेरे साथ है क्योंकि इससे ऊपर भी कुछ है, लेकिन पहले हम ये वाला पोर्शन देख लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा हूँ ना, तो ये सामने, ये आप कह लीजिए कि इसको ड्राइंग रूम कह लीजिए आप, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त वेंटिलेशन का इंतज़ाम, उसी तरह पंखा लगा हुआ, छत की प्रॉपर सीलिंग हुई हुई, लाइटिंग वगैरह बड़ी खूबसूरती के साथ, और क्रॉस वेंटिलेशन है। ये फिर विंडो इस तरफ खुलती है, नीचे उसी तरह मार्बल लगा हुआ बड़ा खूबसूरती के साथ, टाइल्स लगी हुई। और उसके बाद फिर सीढ़ियों से ऊपर जब आते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं तो इससे ऊपर आए तो साथ ही फिर ये एक वॉशरूम भी है जिसमें इंग्लिश सीट लगी हुई है। ये वॉश बेसन वगैरह चेक कर लेंगे, एक्सेसरीज बहुत ज़बरदस्त लगी हुई। ऊपर फिर ये एग्जॉस्ट फैन भी है, वेंटिलेशन के लिए भी है विंडो। अच्छा, उसके बाद फिर साथ ही इसके ये वाला कमरा है, ये दरवाज़ा मैंने खोला, इसको बल्का ड्राइंग रूम कहना चाहिए, उसको फिर क्या कहेंगे, चलो उन्होंने ड्राइंग रूम कह लो। ये अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार फिर माशाल्लाह यार, बहुत खूबसूरत घर है। और इसकी प्राइस सुनेंगे, बड़ी मुनासिब प्राइस है इसकी, बहुत ही मुनासिब प्राइस माशाल्लाह। तो ये सामने वेंटिलेशन के विंडो है, फानूस वगैरह लगे हुए, पंखे लगे हुए। लेकिन इसके बाद फिर हम जाएंगे इसी तरफ से, ये सीढ़ियाँ सी जो हम चढ़ के आए हैं, और ये फिर साइड गैलरी, यहाँ से हम, ये फानूस वगैरह लगा हुआ है, ये छतर, इससे फिर हम आगे आ गए हैं। ये सामने दोस्तों टीवी लाउंज में, टीवी लाउंज देख लें, दो पंखे लगे हुए हैं, ठीक है जी, फानूस वगैरह लगा हुआ। ये सामने है जी मीडिया वाल, और दोस्तों अगर आप वाकई मीडिया वाल तक कान पहुँचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सात मरले का घर है और बड़ा खूबसूरत घर है माशाल्लाह, डबल स्टोरी है, लेकिन ऊपर भी आपको लेके चलूँगा, ऊपर भी बहुत कुछ है। उसके बाद फिर ये बेडरूम है इसका ऊपर के पोर्शन में, नीचे मैंने आपको दिखाया था, अब ये ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर जिसको कहा जाता है। छत आपने देख ली, नीचे टाइल्स लगी हुई, ये फिर कपड़ों के लिए अलमारियाँ वगैरह देख लें, ऊपर तक बनी हुई बड़ी खूबसूरती के साथ, लाइटिंग वगैरह बड़ी खूबसूरत, पंखे बड़े ज़बरदस्त लगे हुए। और उसके बाद दोस्तों ये है वॉशरूम ऊपर का, इंग्लिश सीट लगी हुई, वॉश बेसिन बड़ा मजबूत लगा हुआ, एक्सेसरीज बड़ी खास लगी हुई, ये आपके सामने एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और फिर इस बेडरूम की वेंटिलेशन ये है। फिर टीवी लाउंज में आने के बाद यहाँ हम आए तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, पूरे घर को वेंटिलेशन यहाँ से मिलती है। उसके बाद दोस्तों ये फिर दूसरा बेडरूम है, बड़े बड़े बेडरूम है क्योंकि सात मरले का घर है, बड़े बड़े बेडरूम है माशाल्लाह। ये फिर पंखा लगा हुआ बेडरूम में, छत की सीलिंग वगैरह हुई हुई बड़ी खूबसूरत, लाइटिंग, इसको वेंटिलेशन क्रॉस में है, यहाँ से भी वेंटिलेशन है
और यहाँ से भी वेंटिलेशन है, नीचे उसी तरह टाइल्स लगी हुई और ये सामने कपड़ों के लिए अलमारियाँ ऊपर तक बनी हुई पूरे बेडरूम में ये। और उसके बाद आप आ जाते इस वाशरूम में तो ये सामने शीशा वगैरह लगा हुआ है और ये वाश बेसन वगैरह को नए स्टाइल के अंदर यहाँ लगते हैं। ये फिर इंग्लिश सीट है और ये है जी बाथ के बन ये साथ में, ठीक है जी। इसकी भी छत वगैरह देख लें तो बड़ा यार खूबसूरत घर, क्रॉस वेंटिलेशन इसको इस बेडरूम को भी है। लेकिन उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ और वो है जी ऊपर का किचन, बहुत खूबसूरत किचन। ये आपके सामने कबट वगैरह नीचे भी बने हुए, फिर ऊपर भी बने हुए, हुड भी लगा हुआ और वेंटिलेशन के लिए है विंडो, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, छत की सीलिंग हुई हुई, बहुत खूबसूरत। एक खोल के ना दिखा दूँ आपको, कई कहते हैं चाचा तो खोल के नहीं विखाऊँगा अलमारियाँ, एलो वे हेलो यार बेच कहरा सोना रखे आंदा अल लाजमी है खोल के विखाणी है बहाल, चलो कोई नहीं गल। ये एक्सेसरीज वगैरह देख लें ये, और उसके बाद बैक साइड पर ये गैलरी है। दोस्तों ये जहन में रखिएगा कि ये 7 मरले का घर है और I-14-2 में है, कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल बिल्कुल पास है इसके, बहुत कम फासले पे है, डबल रोड इस सेक्टर का बिल्कुल साथ है। ये अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ममटी आपको दिखाता हूँ। ये हम ऊपर आ गए छत के। अच्छा जैसे ही ऊपर आए हैं तो ममटी क्या कि आप कह दीजिए कि पूरा का पूरा सर्वेंट क्वार्टर है। ये अलमारियां वगैरह हैं कपड़ों के लिए, हाँ जी ये, और इस तरफ वाली भी देख लें, दराज वगैरह हर चीज़ बड़ी खूबसूरती के साथ। और ये फिर 7 वाशरूम है, ये एक्सेसरीज वगैरह यहाँ भी अच्छी लगी। तो आप कह सकते हैं कि ममटी क्या है कि पूरा का पूरा एक सर्वेंट क्वार्टर है। ये डबल स्टोरी घर 7 मरले, 30-60 इसकी डायमेंशन है। और ये फिर ये 7 बिल्कुल एक प्लाट छोड़ के, ये इसका डबल रोड है इस सेक्टर का, बिल्कुल एक प्लाट छोड़ के ये दूसरी तरफ जो रोड के ये I-14-3 है और ये वाला जो है ये I-14-2 है। बिल्कुल थोड़ा सा फासले के ऊपर, 10 मिनट के फासले के ऊपर आप कह लीजिए कि कायद आज़म इंटरनेशनल हस्पताल है जो पेशावर रोड पर है। तो ये इस्लामाबाद है, यहाँ जो ऊपर की छत है यहाँ भी बाकायदा प्रॉपर चिप्स लगाई हुई है बड़ी खूबसूरती के साथ और इसको फिर कवर किया गया है, जो वेंटिलेशन के लिए एरिया उसको प्रॉपर कवर किया गया है ताकि नीचे पानी ना जाए। ये आपके सामने पानी का टैंक देख लें ऊपर का, RCC टैंकी है और 2 टैंकियाँ हैं ऊपर नीचे की अलग अलग है। ये आपके सामने, तो इस 7 मरले घर के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। यहाँ बिजली पानी गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद का तो आपको पता ही है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये घर ले लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि कल को आप भी मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ, ठीक है जी। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में रहेंगे तो कभी आपका भी नंबर लग ही जाएगा। बाकी ये आपके सामने है, ये पूरा ये सेक्टर आपके सामने। दोस्तों इसीलिए मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया।